ये कहानी एक तेल बेचने वाले की, जिसकी जिंदगी में काफी परेशानियां थी क्योंकि उसके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। उसका एक छोटा भाई था जो 2 साल का था। तब से नैना तेल बेचने का काम किया करती थी। तेल वाले, तेल ले लो, तेल कच्ची घानी सरसों का तेल ले लो, तेल वाले। नैना तेल बेच ही रही थी कि तभी एक औरत जिसका नाम सुनीता था, वो अपने छज्जे से नैना को आवाज लगाती है। ओ तेल वाली, जरा रुक, मेरे घर के अंदर आ, मुझे तुझसे तेल खरीदना है। सुनीता की आवाज सुनकर नैना घर के अंदर जाने लगती है, पर उसे दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद सुनीता दरवाजा खोलकर उसे अपने घर में आने देती है। सुनीता का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर जाते ही नैना सबसे पहले उसके घर को चारों तरफ से देखती है। यार ये घर कितना बड़ा है और शानदार है, मैं हर जगह तेल बेचती हूँ, मैंने बड़े बड़े घर भी देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा घर सिर्फ मैंने टीवियों में देखा है। ओ तेल वाली, ये तेल दिखने में तो सही लग रहा है, क्या सच में ये तेरा तेल अच्छा है? मैडम जी, ये तेल सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा है। एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगी ना, तो बार बार आप तेल मुझसे ही लेंगी, क्योंकि ये तेल मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ये तेल जरूर खरीदना चाहूँगी। सुनीता नैना के हाथ का बनाया हुआ तेल खरीद लेती है और नैना को अच्छे दाम देती है। नैना भी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नैना एक बार फिर सुनीता के घर की तरफ से गुजर रही थी। इस बार भी सुनीता उसे अपने घर बुलाती है और तेल खरीदती है, लेकिन इस बार सुनीता नैना की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलती है। वैसे नाम क्या है तेरा? जी मेरा नाम नैना है। नैना, तो नैना तू धूप में घूम घूम कर तेल बेचती है, उसके बाद भी तू इतनी खूबसूरत कैसे है? ये तो बस भगवान की देन है। अरे मैं तो अपने चेहरे पे कुछ लगाती तक नहीं हूँ। सही है, एक हमें देख लो, इतनी स्किन केयर करते हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसा चेहरा है, और एक तुम्हें देखो, वैसे तेरे चेहरे के साथ साथ मुझे तेरा तेल भी बहुत पसंद आया है। अगर मुझसे कोई तेल की बात करेगा ना, तो मैं सभी को तुझसे तेल लेने को कहूँगी। ये तो बड़प्पन है आपका मैडम, ये लो आपका तेल। सुनीता नैना को उसके लिए पैसे दे देती है। सुनीता भी वहां से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर विक्रम से हो जाती है और नैना तेल के साथ ही जमीन पर गिर पड़ती है। इतना सारा नुकसान देखकर नैना रोने लगती है। हे भगवान, मेरा सारा तेल जमीन पे गिर गया, अब मैं क्या बेचूंगी? आज तो मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। नैना तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख कर नहीं चल सकता? देख बेचारी को कितनी चोट लग गई और उसका सारा तेल जमीन पर गिर गया। मुझे माफ कर दो माँ, ये तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तूने आज फिर से पी रखी है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। नहीं माँ, मैंने पी नहीं है, वो तो मुझे लगता है ना भूकंप आ रहा है, इसलिए आपको मैं हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ। नैना मुझे माफ कर दे, वो मेरा बेटा थोड़ा होश में नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। नहीं तू मुझे ठीक नहीं लग रही, चल मैं तुझे दवाई दिलवा देती हूँ, और तो और मैं तेरी भरपाई भी पूरी कर दूंगी, साथ ही तेरे घर में राशन भी भरवा दूंगी। इतना बोलकर सुनीता नैना को खुद सहारा देती है और उसे गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद सुनीता उसके घर में 6 महीने का राशन भरवा देती है, साथ ही उसे घर छोड़ने भी जाती है, जहां वो देखती है कि उसका भाई बीमार बेड पर पड़ा हुआ है। ये देख आज सुनीता को पता चलता है कि नैना इतनी मेहनत क्यों करती थी। सुनीता नैना को उसके राशन के साथ साथ घर पर छोड़ देती है, लेकिन आज सुनीता चैन से नहीं रह पाती। एक तरफ उसका जो बेटा था वो काफी पीता था, वहीं दूसरी तरफ नैना जो अपनी परेशानियों से परेशान थी। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए सुनीता को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं नैना की शादी अपने बेटे से करा दूं? क्योंकि इस नालायक से तो कोई शादी करेगा नहीं, और वो बेचारी नैना अपने भाई के लिए ना जाने कितनी ही मेहनत कर रही है। अगर उन दोनों की शादी करा दूं तो इस तरह नैना के भाई का इलाज भी हो जाएगा और नैना को दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा, साथ ही इस नालायक को एक पत्नी मिल जाएगी, क्या पता बीवी आने के बाद सुधर जाइए। सुनीता सुबह होने का इंतजार करती है और जैसे ही सुबह होती है वो नैना के पास जाती है। अरे मैडम आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। नैना मैं कल से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ,
तुम्हारे बारे में सोच कर मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने के साथ साथ एक जरूरी बात करने आई हूँ। जी कहिए। नैना, वो तुम इतनी अच्छी हो ना कि क्या बताऊँ। सच कहूँ तो मैं तुम में खुद का परिवार देखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने आई हूँ। तुम्हारे माँ पापा नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो शायद वो इस रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करते। मैडम, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। नैना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। उसको एक लड़की ही सुधार सकती है, लेकिन उसे कोई शादी नहीं कर रहा। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम में कोई कमी नहीं है, बस तुम अपने भाई के लिए तेल बेचती हो ताकि तुम्हारे भाई का इलाज सही से हो सके। अगर तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली और तुम एक बड़े घर की बहू बन जाओगी, उसके बाद तुम्हें अपने भाई के लिए तेल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम्हारे भाई का इलाज भी हो जाएगा, और तो और मेरे बेटे को एक सुधारने वाली लड़की भी मिल जाएगी। क्या पता तुम्हारे आने से मेरा बेटा सुधर जाए। नैना ये काफी अच्छे से जानती थी कि विक्रम पियक्कड़ है और अपने भाई के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है, और इस तरह जल्दी ही विक्रम नैना से शादी कर लेता है। पर सुनीता के पड़ोसी सुनीता को ताने मारते हुए कहते हैं, देख तो कितनी बेवकूफ है ये औरत, इसने तो अपने बेटे की शादी एक तेल बेचने वाले से करा दी। अरे हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इसमें कमी ही क्या थी, बस पीता खाता ही तो था। अरे फिर भी तेल बेचने वाले के साथ शादी करवा दी इसकी। आस पड़ोस की ऐसी बातें सुनकर सुनीता को तो बहुत ही गुस्सा आता है, और वो अपनी पड़ोसन को जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैंने अपने बेटे की शादी एक तेल बेचने वाली लड़की से करवाई है, और मेरी तेल बेचने वाली बहू है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे जब मुझे और मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्यों इतनी हो रही है प्रॉब्लम। और रही मेरे बेटे के पीने की बात, अगर मेरा बेटा तुम लोगों को इतना ही अच्छा लगा था, तो उस समय तुम लोगों ने अपनी बेटियों का हाथ मेरे बेटे के हाथ में क्यों नहीं दिया, क्यों तब ये कहा कि लड़का पियक्कड़ है। सुनीता की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो चुका था, और ये देखकर सुनीता बोलती है, आज तो तुम लोगों ने मेरी बहू के बारे में बोल दिया, लेकिन अगर आज के बाद तुमने मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखना मेरी बात। इस तरह सुनीता मोहल्ले वालों का मुंह बंद कर देती है। समय गुजरता है, और अब नैना के भाई का इलाज सही से होने लगा था, साथ ही वो विक्रम से भी प्यार करने लगी थी, उसे समझाती थी, और अपने घर को उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। उसका प्यार देखकर विक्रम ने भी पीना कम कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।